टॉस मेक यूनिवर्सल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन इन एक्सीलेंट वर्किंग कंडीशन. दिस इज अ स्मॉल साइज प्रिसीशन सिलेंड्रिकल ग्राइंडर. देयर इज नो नॉइस और वाइब्रेशन एट ऑल इन द ग्राइंडिंग व्हील. The spindle lubrication of the grinding wheel is also working perfectly fine. It is a high precision machine having microfeed travels. This machine has microfeed travels on the longitudinal travel as well as on the wheel head travel. The least count of this machine is 1 micron. इसमें 0 और 5 माइक्रोन के बीच में 5 रीडिंग है, विच मीन्स दैट द लीस्ट काउंट ऑफ दिस मशीन इज 1 माइक्रोन. द मेक ऑफ दिस मशीन इज टॉस होस्टिवार एंड द मॉडल इज BU16. दिस इज द हाइड्रोलिक पावर पैक ऑफ द मशीन. This is the electrical panel. The machine is equipped with its internal grinding attachment. इस मशीन में जो व्हील हेड है ये पूरा रोटेट करके इसमें इंटरनल ग्राइंडिंग के भी ऑपरेशंस कर सकते हैं. To check for the accuracy of this machine, we have checked the repeatability of the wheel head. हमने अभी व्हील को आगे लाके इस पर डायल गेज लगा दिया है और वो हमने अभी 0 पर सेट किया हुआ है. रैपिड में व्हील को पीछे भेजो. ठीक है, रैपिड में व्हील को पीछे भेजा, आगे ले आओ. ठीक है, हम देख सकते हैं वो अपनी एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे आया है. फिर से भेजो, आगे ले आओ. फिर से आगे, एक लास्ट बार और दिखा दो, आगे ले आओ. एक और दिखाओ, आगे ले आओ. ठीक है, हम देख सकते हैं कि जितनी बार भी व्हील आगे आया है वो अपने एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे आया है, विच मीन्स दैट द रिपीटेबिलिटी और द एक्यूरेसी ऑफ दिस मशीन इज वेरी गुड. जो ये टेबल की स्पीड चल रही है, ये अलग अलग स्पीड दिखा दो, पहले कम कर दो. ठीक है, वी हैव रिड्यूस्ड द स्पीड ऑफ द टेबल मूवमेंट. टेबल अभी भी चल रही है बट बहुत स्लो चल रही है. Even in the slow speed, the table is moving smoothly. हल्का सा तेज करो, और तेज कर दो, और तेज कर दो, और तेज करो. ये फुल स्पीड होगी टेबल की. ठीक है, अभी हमने टेबल की मैक्सिमम स्पीड कर दी है. इस मशीन का जो व्हील हेड का रैपिड ट्रैवल है वो दिखा दो. ठीक है, व्हील हेड को अभी हमने रैपिड में पीछे भेज दिया. जैसे ही हमने व्हील हेड को भेजा तो इसकी टेबल की भी मूवमेंट रुक जाती है और इसका वर्क हेड भी स्टॉप हो जाता है. ठीक है, आगे ले आओ फिर से. ठीक है, आगे लाने पे व्हील हेड आगे आ गया, टेबल भी चल गई और वर्क हेड भी रोटेट करना स्टार्ट कर दिया. फिर से भेजना पीछे, आगे ले आओ. फिर से आगे ले आओ. ठीक है, ये वर्क हेड की अलग अलग स्पीड दिखा दो. अभी ये 100 पे चल रहा है. चलते रहना, चलते हमें कर दो, फिर तेज कर दो.
कितना हो गया 200 हो गया, और तेज कर दो, कितना हो गया 280 RPM। ठीक है, इसमें मैक्सिमम 1000 RPM तक है, उसके लिए ये बेल्ट चेंज करनी पड़ेगी। वर्किंग ऑफ द ऑटो स्लो फीचर, ठीक है, इस मशीन में ऑटो स्लो को ऑन करो अभी। ठीक है, अभी जब भी टेबल स्टॉपर से टच होगी, डायरेक्शन चेंज करेगी, तो हल्का सा रुक के चलेगी। ठीक है, और बढ़ा दो इसे, इंक्रीज करो। ठीक है, ऑटो स्लो का ये वाला वो है। ठीक है, ये स्टॉपर से टच हुई और फिर चली। ठीक है, जैसे ही स्टॉपर टच होता है, अपने आप टेबल स्लो हो जाती है। ठीक है, दिस इज दी ऑटो स्लो फीचर। ऑटो स्लो को जीरो कर दो। ठीक है, इस मशीन में जो ऑटो कट है उसको ऑन कर दो, ऑटोमेटिक डेप्थ एडजस्टमेंट को ऑन है। अच्छा, पहले से ऑन किया हुआ है। ठीक है, वर्किंग ऑफ दी ऑटोमेटिक डेप्थ एडजस्टमेंट, अभी इस मशीन का ऑटो कट हमने ऑन किया हुआ है। जितनी बार भी टेबल लेफ्ट या राइट वाला स्टॉपर टच होता है, लेफ्ट या राइट वाला कोई सा भी स्टॉपर, तो इसका अपने आप व्हील हेड जो है वो धीरे धीरे फीड में आगे आ रहा है। ऑटो कट, ठीक है, हम देख सकते हैं कि इसका कट लेफ्ट और राइट दोनों साइड से आगे बढ़ रहा है। ये ऑटो कट अभी हमने दोनों तरफ से किया हुआ है, इसको सिर्फ राइट साइड से भी कर सकते हैं और सिर्फ लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं। अभी हमने दोनों तरफ से किया हुआ है, अभी हमने इसको राइट साइड से कर दिया। जो कट लगेगा वो अभी सिर्फ राइट साइड से लगेगा, लेफ्ट साइड से नहीं लगेगा। ठीक है, राइट साइड से कट लगा, ठीक है, लेफ्ट साइड से नहीं लगा। अभी फिर से दोनों पे कर देते हैं, अभी लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से कट लगेगा। ठीक है जी, ये इसके व्हील हेड को पीछे भेजो। ठीक है, जैसे ही हमने व्हील हेड को पीछे भेजा, जो भी कट लगा था वो ऑटोमेटिकली कंपनसेट हो गया। तो इस मशीन में ऑटो कट के साथ ऑटोमेटिक कंपनसेशन भी है। ठीक है, पीछे जाने पे फिर से वो मशीन बंद हो गई, एक मिनट। अभी जैसे ही हम व्हील हेड को आगे लेके आएंगे, तो पहले इस मशीन में रैपिड ट्रैवल चलता है व्हील हेड का, एंड फिर थोड़ा सा अपने आप रैपिड में ही व्हील धीरे धीरे आगे आता है। चला के दिखाओ। ठीक है, ये अभी इसमें रैपिड ट्रैवल का प्लंज चला, एंड फिर जितना भी हमने सेट किया है वहां से फिर ऑटो कट चल गया। ठीक है, जो ये ऑटो कट चल रहा है इसको जरा जरा चलाओ। ठीक है, वी हैव इंक्रीज द डेप्थ ऑफ कट। अभी जो ऑटो कट है हम देख सकते हैं वो ज्यादा चल रहा है अभी। ठीक है, ऑटो कट को कम करो, एकदम कम कर दो बस। नाउ वी हैव डिक्रीज द डेप्थ ऑफ कट। हम देख सकते हैं कि अभी जो ऑटो कट चल रहा है वो एकदम कम चल रहा है। ठीक है, वर्किंग ऑफ द प्लंज ग्राइंडिंग फीचर, व्हील को आगे लेके आओ। ठीक है, अभी हमने टेबल को रोक दिया है और प्लंज ग्राइंडिंग का चला दिया है। हम देख सकते हैं लगातार इसका भी प्लंज कट चल रहा है। ठीक है, टेबल अभी रुकी हुई है, व्हील क्योंकि आगे है इसलिए वर्क हेड स्टार्ट हो गया और प्लंज कट चल रहा है लगातार। प्लंज कट की स्पीड कम जा रहा है इससे कर सकते हैं, करके दिखाओ एक बार। ठीक है, ये तेज कर दी, मैक्सिमम है। ठीक है, कम कर दो अभी, और कम करो, करो करो कर दो, और कम करो करो। ठीक है, ये प्लंज कट की स्पीड अभी स्लो कर दी। ठीक है, इससे स्पीड कम ज्यादा है। अभी हमने इसको ऑटो पे किया हुआ है, जैसे ही ये कट जीरो हो जाएगा, मशीन अपने आप, मशीन का जो व्हील हेड है वो अपने आप पीछे चला गया, ऑटोमेटिक कंपनसेशन हो गई और रैपिड में व्हील हेड पीछे चला गया। फिर से चलाओ इसे, आगे लेके आओ। ठीक है, प्लंज की स्पीड को फुल कर दो, फुल कर दो, फुल।
ठीक है, प्लंज की स्पीड को फुल कर दिया। अब जैसे ही ये कट जीरो होएगा, अपने आप व्हीलेट पीछे चला जाएगा। कट कंप्लीट होने के बाद व्हील हेड रैपिड में पीछे चला जाएगा, ऑटोमेटिक कंपनसेट हो गया एंड वर्क हेड रुक गया। तो इस मशीन को कंप्लीट ऑटो साइकिल मोड में भी चला सकते हैं। मैनुअल ट्रैवल्स, पहले लॉन्गिट्यूडनल ट्रैवल चलाओ, दूसरी तरफ, ठीक है। इसमें जो माइक्रोफीड ट्रैवल्स है वो दिखाओ, ठीक है, माइक्रोफीड ट्रैवल्स, ठीक है। टेबल अभी भी चल रही है बट बहुत स्लो चल रही है, बहुत प्रिसाइसली टेबल को कंट्रोल कर सकते हैं इस समय, ठीक है जी। हटा दो इससे, अभी इसका व्हील हेड का ट्रैवल दिखाओ, ठीक है। अभी व्हील को आगे लेके आ रहे हैं, पीछे ले जाओ, ठीक है। इसमें जो माइक्रो फीड है वो दिखाओ अभी, ठीक है। माइक्रो फीड ट्रैवल्स ऑफ द व्हील हेड, घुमाते रहो घुमाते रहो, ठीक है। एज प्रीवियसली टोल्ड, द लीस्ट काउंट ऑफ दिस मशीन इज 1 micron, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पैनल ऑफ द मशीन, वी ऑल्सो हैव द इलेक्ट्रिकल ड्रॉइंग्स अवेलेबल। इट इज अ यूनिवर्सल टाइप स्मॉल साइज प्रिसीशन सिलिंड्रिकल ग्राइंडर हैविंग अ लीस्ट काउंट ऑफ 1 micron। The machine is in overall excellent working condition and all the features are working perfectly fine.